बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर की नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे तिनसों सब सक जावे सुन के। ऐसी मीठी चर्चा जिसको सुन के सारे शक भान जाते हैं, सारे शक चले जाते हैं, सारे संशय चले जाते हैं। इतनी प्यारी मीठी चर्चा श्री जी कर रहे हैं आज 83वां दिन, और अति सुंदर अति प्यारा दिन जिसकी बधाई पूरे ब्रह्मांड में है, देवचंद्र जी के प्रकटन दिवस की। आप सब सुंदर साथ जी को कोटान कोट बधाई। और आइए, एक किरंतन का भाव दुष्यंत भैया के आदेश से आज ऑस्ट्रेलिया से। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उलास, श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने तुम रंग भर की जो विलास, तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निरखिए बिलसे रंग रस काम, बिलसे रंग रस काम, सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम मेरे। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार,
साथ संबंधी मिलके खेली संग भरता, खेली संग भरता सखी धाम जरी, सखी धाम जरी। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो, में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जरी, सखीरी धाम जरी। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। महमत कहे मलपतिया आओ निज वतन, श्री महमत कहे मलपतिया आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, हाँ जागो अपने तन, सखीरी धाम जरी, सखीरी धाम जरी। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम मेरे। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो, मैं मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम मेरे। राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रियतम, रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, कब आओगे मेरे प्राण धन, मेरे ये प्रियम, कब आओगे मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
आइए सुंदर साथ जी, अब दुष्यंत भैया के मुखारविंद से इस शुभ दिन पर उनके विचार सुनते हैं, देवचंद्र जी के प्रगटन के अवसर पर। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभु देव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा पिजातम प्रविश्य प्राप्तम पिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिय जागरणाय जाता सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधो शरणम प्रपद्ये। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमं द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। बोलो श्री धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का दिन हम सब अज्ञाओं के लिए बहुत ही विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि हम सबका वजूद आज के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज इस विशिष्ट और विशेष दिन पर आओ चलें, हम अपना स्मरण ले चलते हैं कि जब श्यामा जी का अवतार इस धरा पर हुआ, उसके साथ हम सब अग्नाई भी आई, उससे पहले क्या खेल में कुछ भूमिका बनी, कुछ बीत श्री बीतक साहब और कुछ वृतांत मुक्तावली से देखते हैं। हक बैठे रूहो मिलाए के खेल देखावन काज। उस दिन मूल मिलावे में हम अपने प्रियतम के चरणों में दाड़िम की कलियों की तरह राज श्यामा जी को चारों तरफ से घेर कर इतने निकटता से सब बैठे थे कि आज हमें हमारे प्रियतम माया का खेल दिखाने वाले हैं। और उस खेल में खेल देखने की चाह बहुत थी, लेकिन हम सब रूहों को परस्पर बिछड़ने की दहशत भी थी, जुदागी का डर भी था। हमारे हृदय में प्रीतम ने ही डाला कि हमने खेल मांगा, और उस समय में हक बैठे रूह मिलाए के खेल देखावन काज। बड़ी भई रद बदल रूहे बड़ी रूह सो राज, देखन खेल जुदागी का दिल में लिया रोहन। हक आप बैठे तखत पर खेल रूहों को देखावन, दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह। देखे पातशाही हक की देखे इश्क बड़ा किनका, महामती कहे बैठिया देख के हक हसत है हम पर, कहे देखो इन विध खेल में भेलिया रहे क्यों कर। श्री जी हमें देख के हंसे कि जब ये माया में जाएंगी ना, जितने प्रेम से निकट इतनी बैठी हैं अंग से अंग लगाए के, कि इस माया में किस प्रकार ये इस तरह से एक दिली रह पाएगी। वो हंस रहे थे कि एक दिली नहीं रह पाएगी। तो जब हम खेल में उतरे तब श्यामा जी को राजी ने कहा, लियाओ बुलाए तुम रूह ला जो रूहे मेरी आशिक रब्द किया प्यार वास्ते कहो कहलाया हक। एक क्षण भी हमारे प्रियतम ने हमसे हमारी जुदागी सहन नहीं की, और जिस तरह से रूहें पृथ्वी पर आईं, लेकिन हम रूहों को का अवतरण होते होते यहां पर मोहम्मद साहब की लीला हो चुकी थी। और कितना समय हो गया था, साल 90 से 90 मास 9 हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। उस वक्त हम सब रूहें श्यामा जी के साथ इस धराधाम पर उतरी। एक प्रसंग वृत्तांत मुक्तावली से देखते हैं। संवत 1600
सैतीसा पौष मास बड़भागी, उज्जवल तिथि परम तिथि तेरस परम मुहूर्त लगी। कि भारत के एक धार्मिक प्रदेश मारवाड़ के उमरकोट गांव में एक अति कुलीन कायस्थ परिवार में धर्म पारायण श्री मत्तू मेहता जी और उनकी धर्म पत्नी परम विदुषी परम सुशील श्रीमती कुमरी बाई के घर संवत 1737 पौष मास के शुक्ल पक्ष में एक अलौकिक घटना घटी। उस दिन माता ने उबटल तेल तेल लगाकर गर्म जल से स्नान करके और खटरस पकवान तैयार किया और अपने प्रभु को भोग लगाया। इसके पश्चात अपने हृदय में अनंत आनंद उल्लास लेकर एक अनोखी आशा लेकर अकेली बैठी थी। तभी उन्होंने एक मनोहर दृश्य देखा कि चंद्रमा अपनी करोड़ों कलाओं तेज और शीतलता के साथ माता की आंचल में समा गया है। संध्या को इस अलौकिक घटना का वृतांत मत्तू मेहता जी को उन्होंने सुनाया। उनकी ये अलौकिक घटना सुनकर मत्तू मेहता जी ने अनेक विद्वानों और पंडितों को बुलाया और इसका जिक्र किया और इसका कारण पूछा। पंडितों ने विचार कर भविष्यवाणी की कि आपके घर में कोई विशिष्ट दिव्य पुत्र प्रकट होगा। संवत 1638 से आसोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। संवत 1638 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो आज है सुंदर साहब जी, धनी देवचंद्र जी का प्रगटन मारवाड़ प्रदेश उमरकोट गांव में हुआ और वृतांत मुक्तावली में उनके लिए लिखा, अक्षरातीत युगलवर सदगुरु परम हंस हित आए, श्रुति स्मृति ऋषि मुनि सब जाको आगम गावत पाए। कि श्री अक्षरातीत ब्रह्म श्यामा जी के सहित सदगुरु रूप में परमहंस ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए प्रकट हुए, जिनके आने की सूचना श्रुति स्मृति ऋषि मुनि सब ने आगम शास्त्रों की भविष्यवाणियों में पहले ही दे रखी है। जैसे कि एक भविष्यवाणी है कि देवापि शांतनो भ्राता मरु क्ष इक्ष्वाकु वंशजा कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो तावि हत्य कलरिन्ते वासुदेवानु शिक्षितो वर्णाश्रम युक्त धर्म पूर्वतः प्रतिष्ठित है। कि इस समय शांतनु के भ्राता देवापी और इक्ष्वाकु कुल के महाराज मरु महान योगबल से युक्त कलाप ग्राम में तप कर रहे हैं। वे दोनों कली के अंत में यहां आकर श्री वासुदेव भगवान की प्रेरणा से वर्ण आश्रम युक्त धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो जो भविष्यवाणी वेद शास्त्र पुराणों में पहले से राज्य ने करवा दी थी उनका सत्य होने का अवसर आज आ चुका था। जब जन्मे मारवाड़ में घर अत आनंद नर नार, जब प्रकटन हुआ धनी देवचंद्र जी का तो मारवाड़ प्रदेश में उमरकोट गांव में इतना आनंद उत्सव हुआ, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार और उनके प्रकटन की बधाई पूरे संसार में और यहाँ तक तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी पहुंच गई है। और इनका अवतार क्यों हुआ है? सुखदाई सबन को अखंड करणहार, ये पूरे ब्रह्मांड को सुख पहुंचाने वाले हैं और सबको अखंड करने वाले हैं। विश्व बंदे अक्षर लोक सुखे परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि इस संसार के ऋषि मुनि और जितने भी तपस्वी हैं वो अधिकतम अक्षर ब्रह्म तक की उपासना करते हैं, और ये जो आज प्रकटे हैं श्यामा महारानी का अवतार जो हुआ है ये अक्षर से परे जो अक्षरातीत हैं ये उनका आनंद अंग है। सुंदर साहब जी, अब हमारा क्या संबंध है? मैं सूक्ष्म में बताना चाहूंगा दो लाइनों में।
कि राजी के हृदय में जो अनंत गंजान गंज इश्क के सागर हैं, उन सागरों का संगनित रूप श्यामा जी हैं, और उन संगनित रूप जो श्यामा जी हैं आनंद अंग, उनके हम सब अंश हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को आज श्यामा जी के प्रकटन, धनी देवचंद्र जी के प्रकटन की बहुत बहुत अनंत बधाई। सुंदर साथ जी, सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, वो सारे पल याद करवाने के लिए परम धाम से लेकर श्री देवचंद्र जी के जन्म तक और आज तक बहुत सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, हमें तो बधाई है ही, पूरे ब्रह्मांड को बधाई, और अति कुलीन परिवार आज भी उनकी बधाई गाने के लिए यहाँ आए हैं। मुकेश भैया पूरे परिवार सहित आज बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भैया, मनु जी और आयुची जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं, पहले बधाई बड़े प्यारे शब्दों में पिरो कर लाए दुष्यंत भाई, और अब बधाई गायन के रूप में भी सुनेंगे बहुत प्यारे परिवार से। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते। सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, कुंवर बाई की कोख से प्रगटे श्री श्यामा जी लियो अवतार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, ग्रह ग्रह ते चली भामनी गावत मंगल चार, झुमक सब मिले आवत जात साजी सकल सिनगार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, मृदंग मजीरा ढोल दमामा बाजत बाजे अपार, जय जयकार करत सब कोई बंदी जन भाट पुकार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, चिरंजीवे तेरो बालक बमाई सब कहत पुकार पुकार, यही समान बड़ो नहीं कोई त्रैलोकी में निर्धार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, कारज कारण हमरे राज आए आए बदल आकार, मनवांछित फल दिए सबन को धनी श्री देव चंद्र जी दातार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, तब के ब्रज में अब के याही आए धनी करतार, आसानंद मोही आस धनी की जो वतनियों के आधार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार, कुंवर बाई की कोखट से प्रगटे श्री श्यामा जी लियो अवतार, सखी तुम गौरी मंगल चार, सखी तुम गौरी मंगल चार।
बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, कितने प्यारे स्वरों में बधाई गाई, पूरे परिवार को साथ बैठा देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और सबको बहुत बहुत बधाई। असल बधाई तब सुंदर साहब जी जब हम कदमों पर कदम रखकर चलना शुरू करें सतगुरु के। आप सबके चरणों में प्रणाम। और ऐसे ही अब 3 और फिर जल्दी से 4 सुंदर साथ को जल्दी से हम एक ही स्क्रीन पे देखना शुरू करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी, साहब। अति सुंदर। और मनु भैया आपका अभी पेंडिंग है अकेले गाना भी, आपका एक वाणी गायन अकेले भी हमने सुनना है बहुत जल्दी, तो आप तैयार करके रखिएगा। प्रणाम जी, बिजी होने से पहले तैयार करके रखिएगा। प्रणाम प्रणाम। मुकेश भैया निकाल के दीजिएगा आज ही मनु जी को। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। आयुषी बेटा आप हेल्प कीजिएगा उनकी, कट्ठे तैयारी करें तो और अच्छा होगा, पर यदि बिजी हो जाती हैं आयुषी फिर मनु जी से सुनेंगे, नहीं तो जुगल जोड़ी तो हमेशा ही बेहतर होती है। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी आइए, इस इतने सुंदर दिन पे धनी कैसे विशेष दिन को कितना विशेष बना देते हैं सुंदर साथ के थ्रू। इतना प्यारा दुष्यंत भैया कैसे मोती पिरो कर लाए, कैसे हमारे हृदय में उतार भी दिया और हमको पता ही नहीं चला। ऐसे वाणी उतारते जा रहे हैं धनी सबके दिलों में, कैसे गायन के थ्रू, स्वरों के थ्रू। इतने मीठे स्वर मुझे पता नहीं था कभी भी मुकेश भैया इतना सुंदर गाते हैं। मैंने तो उनको चौपाई पढ़ते हुए ही सुना था बस, पर अब तो वाणी गायन हम मुकेश भैया से सुनते ही रहा करेंगे। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। और आज बहुत खुशी का दिन है कि मीठी बतियां भी मुकेश भैया के मुखारबिंद से ही हम आज सुनने वाले हैं। बहुत भाग्यशाली हम सब सुंदर साथ। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में कौन सा प्रसंग चल रहा है सब सुंदर साथ जी को याद है ना हम कहाँ पर हैं। तो सुंदर साथ जी पहले अहमदाबाद की जेल में थे, वहां से आए श्री जी तो कहाँ गए। पहले घंटी बजती है, क्या बोलते हैं, चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लाल कहते हुए हृदय में कुछ होता है सुंदर साहब जी, बड़ी जल्दी श्री जी लालदास जी के पास ही पहुंचने वाले हैं, ठट्ठा नगर की ओर प्रस्थान करने ही वाले हैं सुंदर साहब जी। ऐसे लालदास जी जिनके हृदय में बैठकर इतनी प्यारी श्री बीतक साहब का अवतरण हुआ है। आइए, मैं स्वामी जी का जो टीका लिखा हुआ है ना सुंदर साहब जी, उन्हीं पर ही जा रही हूँ। उन्हीं के शब्दों में यदि ये हम पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, बहुत सुंदर चौपाइयां भी बनाई हैं। तो कल क्या बता रहे थे सुंदर साहब जी, अहमदाबाद, और उसके बाद कहाँ आ गए सुंदर साहब जी, अहमदाबाद के बाद मैंने लिख कर भी रखा हुआ है जस्ट इन केस बोलते बोलते भावों में कहीं और ही ना चला जाए। अहमदाबाद के बाद कच्छ पधारे हैं, और कच्छ में कौन मिले हैं सुंदर साहब जी, थावर भाई। थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कच्छ के बाद मंडई, मंडई में कौन मिले सुंदर साहब जी, प्रागमल जी और कुंवर भाई जी मिले हैं। उसके बाद आए कपाइया, कपाइये में याद रखना है हरिवंश ठाकुर जी, उनके बड़े भाई का परिवार। और उसके बाद सुंदर साहब जी आए भोजनगर,
भोजनगर में कौन? वही हरिदास जी का जो परिवार है, वृंदावन जी और उनका परिवार उनको मिला, और खंडनी के जो प्यारे मीठे वचन उनको कह रहे हैं, उनकी अभी श्री बीतक साहब में प्रसंग चल रहा है। कहते हैं कल हमने ये देखा था, सुंदर साथ जी कहते हैं, वैसे भी उपरोक्त घटनाक्रमों में श्री जी के द्वारा खंडनी के वचनों का प्रयोग करने से किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम भी वैसे ही खंडनी करके हम भी जागनी कर सकते हैं, हमें भी ऐसे ही जागनी करनी है, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ये तो धामधनी की विशेष लीला थी, ये विशेष अधिकार भी धामधनी के पास ही है, जिसमें माया में गहरी निद्रा में सोने वाले सुंदर सात को झकझोर कर उठाना था, अन्यथा श्री कलश वाणी। ये मैं दोबारा क्यों पढ़ रही हूँ सुंदर सात जी, क्योंकि सुंदर सात ने ये चौपाइयां बहुत प्यारी पूरी पूरी सजाई है। लिखे तो दो ही चरण है, पर सुंदर सात की सेवा देखिए, उन्होंने पूरी चौपाई बड़ी सुंदर सजाई है। आइए चलते हैं, खंडनी कर खीजिए जागे नहीं इन भांत। ये देखिए वो मुझे मिल जाएगी जी, तो ये वाली छपाई है, मुझे लगता है मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ। खंडनी के वचनों से जागृति नहीं हो सकती। पुनः आगे के क्रम में कहते हैं, मैंने जो कटु वचन कहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना है सुंदर सा जी, सो ए वचन मोहे साल ही, ये वचन मुझे सालते हैं। ये देखिए, सो ए वचन मोहे साल ही, कठिन तुमको जो कहे, सोहागनियों को निद्रा मिने मूल घर विसर गए। कहते ये जो वचन मैंने आपको कहे हैं ना, ये मुझे सालते हैं और सुहागनियों को कहने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके मूल घर यहाँ पर बिसर गए हैं। आगे ये देखिएगा, ए हम सहे हो ना जावही, जो कहे साथ में कोई कटुक वचन। ये देखिए, अब जो साहित इत होत है, सो पियो बिना लगत अगिन, ए हम सहयो ना जावही, जो साथ में कहे कोई कटुक वचन। श्री किरंतन प्रकरण 79, प्रकरण 89 और चौपाई 13। प्रियतम के दीदार बिना एक एक पल जो बीता जा रहा है, अब जो साहित होते, एक साहित अग्नि के समान कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, यदि सुंदर साथ में, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, महामती जी के दिल से आवेशित स्वरूप, आवेश स्वरूप से ये वाणी आई है। क्या कह रहे हैं धनी जी, यदि सुंदर साथ में कोई किसी के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करता है तो वो मुझे सहे नहीं है। ये हम सहे हो ना जावही, कटु शब्दों के अस्त्र शस्त्रों के घाव, सुंदर सा जी ये अस्त्र शस्त्रों के जो घाव होते हैं ना, कटु शब्द कहते हैं, उससे भी अधिक तीखे होते हैं। इस चौपाई से ये पूर्णतया स्पष्ट है कि जो सुंदर साथ किसी को भी कटु शब्दों, किसी को भी, सुंदर साथ नहीं लिखा ये, किसी को भी कटु शब्दों से संबोधित करते हैं, वो स्वप्न में भी श्री जी की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। और कटु शब्द सुंदर साथ जी ऊपर से खाली बोले नहीं जाते हैं, मन में भी कटु शब्द होते हैं जो सालते हैं, वो वाइब्रेशंस जो निकलती है ना, वो सुंदर साथ को साल देती हैं। इसलिए ना मनसा वाचा कर्मणा कटुता बिल्कुल रखनी ही नहीं है, और मुझे लगता है यहाँ पर सुंदर साथ जी ने वही चौपाई बनाई है जी। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर, आप सबकी सेवा को कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आगे क्या कह रहे हैं, धाम धनी ने ये स्पष्ट कह दिया, यदि सुंदर साथ में कोई कटु वचन कहे मुझे सहन नहीं होता, मनुष्य की बोली उसके व्यक्तित्व की पहचान कराती है। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, आधा काम तो मीठे बोलने से ही हो जाएगा सुंदर साथ जी, धनी कितने पास आ जाएंगे यदि उनके अंग सुंदर साथ से प्रेम करेंगे। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, तारतम वाणी कहती है, जाको ना मैं रसना होसी कैसी,
मीठी हाक। कितनी सुंदर वाणी है सुंदर साहब जी, जिनकी जैसी बुजर की जुबा होत है तिन माफक। ये चौपाई हमने कल पढ़ी थी। हमें नकारात्मक नेगेटिविटी, नकारात्मक पक्ष को ना देखकर सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए कि स्वयं थाम धनी श्री जी क्या कह रहे हैं। कल स्वामी जी की एक चर्चा आ रही थी सुंदर साहब जी, श्री पन्ना धाम से, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र पन्ना धाम से, उन्होंने उसमें भी बोला, और कल मैं एक चर्चा उनकी कोई सुन रही थी उसमें बोला शायद, तो दोनों में से एक चर्चा में वो बोल रहे थे, बाल बाई जी जो कर रही हैं, बाल बाई जी बुरी नहीं है। हम उनको कैसी दृष्टि से देखते हैं कि बाल बाई जी ऐसे करती हैं, बिहारी जी ऐसी करते हैं, कहते हैं नहीं। मुझे इतना सुंदर लगा स्वामी जी के मुखारविंद से सुन के, कहते हैं निर्देशित किसने किया है उनको ये करने के लिए, धाम धनी निर्देशन कर रहे हैं इस पूरे नाटक का, खुद खड़ा हो के डायरेक्टर सिखा रहा है तुमको ऐसे करना है, यही डायलॉग बोलने हैं तुम्हारे लिए, यही लिखे गए हैं। तो बाल बाई जी वही डायलॉग्स बोल रही हैं, बिहारी जी वही डायलॉग्स बोल रहे हैं, वैसा ही अभिनय कर रहे हैं जैसा पिया उनसे करवा रहे हैं। तो बिहारी जी और बाल बाई जी के लिए तो समझ में आ गया, आज यदि कोई सुंदर साथ ऐसा अभिनय कर रहे हैं तो निर्देशक कौन है सुंदर साथ जी? हमारे पिया जी निर्देशक हैं, वो उनसे ऐसा करवा रहे हैं। यदि ऐसा सोचना शुरू कर दें तो सुंदर साथ के प्रति कभी कटुता का भाव आएगा ही नहीं, यदि आएगा तो वो कटुता सुंदर साथ के प्रति नहीं होगी, वो डायरेक्टर के प्रति होगी कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। तो धाम धनी के प्रति कटुता और पाना भी पिया जी को, ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो लुटाए प्यार ही प्यार और हम लुटाए कड़वाहट, तो कैसे मिलेंगे सुंदर साहब जी? इसलिए मीठा 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 बोलना, सोचना, रहना, करना, खाना पीना सब मीठा सुंदर साहब जी। खाना दीदार पीना दीदार होता है ना परम धाम में, तो खाना भी मीठा दीदार पीना भी मीठा दीदार, यहाँ मिठास क्यों नहीं घुल सकती? धनी की वाणी से घुल सकती है, एक ही उपाय है सुंदर साहब जी, घूम फिर कर सारी जगह से घूम फिर के आ जाइए, एक ही उपाय है, मिल सकते हैं श्री मुख वाणी से, श्री ब्रह्म वाणी से जुड़ने पे, उनको रोज आलिंगन करने से, बाहर से नहीं, बाहर से उठाया आलिंगन कर लिया ऐसे नहीं सुंदर साहब जी, अंदर से अपनी आत्मा से उनको आलिंगन करना है सुंदर साहब जी, ब्रह्म वाणी को। यहाँ के तनों में कुछ नहीं मिलने वाला, जीवों में कुछ नहीं मिलने वाला, ब्रह्म वाणी वांग्मय स्वरूप है, उनके चरणों में ही बैठ जाते हैं, वांग्मय स्वरूप के चरणों में रोज बैठ जाया करें, मूल मिलावा ही तो लगता है सुंदर साथ जी। जब हम सारे सुंदर साथ मिलकर घेरा बना के बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ का मूल मिलावा ही बन गया, वांग्मय स्वरूप के आसपास जब हम सारे बैठ जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनको कहने के लिए, उनको व्यक्त अपने भाव व्यक्त करने के लिए, तो ये क्या होता है? मूल मिलावा ही तो होता है सुंदर साहब जी, वांग्मय स्वरूप के साथ जो मूल मिलावा बन सकता है ना, वैसा होता है। इतना प्यारा मिलावा है ये सुंदर साथ का, जो एक दूसरे का कभी दिल नहीं दुखाते हैं, केवल धनी की ओर देखते हैं, सुंदर साथ को भी देखते हैं, तो ऐसे कि आपके हृदय में युगल स्वरूप समाए हैं, अब दुख ना देऊं फूल पांखुड़ी। अब कहते हैं मैंने खंडनी के वचन कह लिए जितने कहने थे, अब दुख ना देऊं फूल पांखुड़ी, देखूं शीतल नैन, नैनों में भी मेरे शीतलताई बरसेगी, उपजाऊं सुख सबों अंगों, बोलाऊं मीठे बैन। मैं मीठे वचन तुमसे बोलूंगा क्योंकि मेरे अंदर भी वो वचन सालते हैं। पहले सुंदर साहब जी जब धनी की ओर से कुछ प्रवाह आता है ना, पहले सुख स्वयं को मिलता है, फिर सुंदर साथ को मिलता है, पहले आने में मिलता है, फिर जब बोलते हैं तो डबल डबल बोनांजा मिलता है, और वो भीतर तक समा जाता है ना तो अनंत बोनांजा मिलता है।
इसी प्रकार जब भी जागनी के खंडनी के वचन भी वो कहते पहले स्वयं को सालते हैं। देखो वो वचन उनके हृदय को पहले दुख देते हैं कि सुंदर सात को मैं कहने वाला हूं, और फिर कह के फिर दुखी होते हैं, दो बार दुखी हो जाते हैं कि मैंने अपने सुंदर सात को ऐसे वचन क्यों कहे। कितना प्रेम करता है पर कहते माया में भूली हुई को कहना पड़ेगा। हम सुंदर सात नहीं कह सकते क्योंकि हम उनके रास्ते पर उनके जैसी कसनी हमने नहीं कसी है। हमें कोई अधिकार नहीं प्यारे सुंदर सात से कोई भी ऐसा वचन कहने का जिससे यदि उनका दिल दुख गया तो हमारी राह डिफिकल्ट 100% हो गई। उनके लिए मत सोचिए सुंदर सात जी कि उनको दुखा दिया बड़ा मजा आया, अपनी राह डिफिकल्ट कर ली कितना मजा आया सुंदर सात जी, इतना आनंद आया। अब ये सोचिएगा एक एक वचन चट्टान की तरह सामने खड़ा हो रहा है और मीठा फूल जैसा वचन निकल रहा है ना, पाखुड़ी जैसा कोमल, फूल जैसा कोमल यदि वचन मुख से मन से वचन से कर्म से निकल रहा है तो कितने रोड़े वो हटा दिए उसने हमारे सामने से। हमारी अंतर्दृष्टि खुली नहीं है ना तो दिख नहीं पाया हमें बस, और चट्टान कितनी बड़ी खड़ी हो जाती है ये हमें दिख नहीं पाता। पर फिर हम कहते हैं पता नहीं पिया क्यों नहीं आते आप, हम तो रोज बैठते हैं पता नहीं क्यों नहीं आते। कहते कितने दिलों को दुखा के बैठे हो, कितने सुंदर साथ के दिल को दुखा के बैठे हो, कैसे आऊं, मेरे ही अंगों को चोट पहुंचाओगे और मैं ही तुम्हारे सामने आऊं, कैसी मांग है ये। तो उनके अंगों से प्रेम करना सुंदर साथ जी, जो श्रृंगार ग्रंथ में अंग लिखे हैं ना उनसे तो हम प्रेम कर लेते हैं क्योंकि प्रेम ऊपरी ऊपरी सा है, उनसे बड़ा प्रेम कर लेते। यहाँ बाजू बंद पहना है उसमें इतने नग लगे हैं, मूल मिलावा के थंबों में इतनी झलकार है, वो प्रेम कर लेते हैं। सामने उनके अंग हमारे साक्षात खड़े हुए सुंदर साथ उनसे प्रेम नहीं किया जाता। वो जो प्रेम का श्रृंगार पहन के बैठे हैं उनके अंदर धनी जी, उनसे प्रेम नहीं किया जाता तो मूल मिलावा की राह बहुत मुश्किल। कहते हैं स्वप्न में भी उनके दीदार नहीं होंगे, अभी अभी पढ़ा हमने, बिल्कुल वाणी कहीं भटकाती नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलती, झूठे दिलासे नहीं देती कि नहीं मिल जाएंगे, साफ साफ कसौटियां बताई जाती हैं श्रीमुख वाणी में, श्री बीतक साहब में कितनी कसौटियां प्राणनाथ जी सहन कर रहे हैं, कितनी देवचंद्र जी सहन कर रहे हैं, और सुंदर सात को दुखी करने वालों पर क्या क्या बातें आती सारा बताया जाता है, बिल्कुल क्लियर बताया जाता है। ये डोज सुबह लेनी है, कहते हैं किसी हकीम के पास जाइए वैद्य के पास जाइए ना, उस पे हम पूरा समर्पण कर देते हैं। आपने देखा शरीर को ठीक करना हो पूर्ण समर्पण डॉक्टर के ऊपर करके बैठते हैं हम, कोई संशय नहीं। आप कहेंगे हम सुबह ऐसे कर लेंगे, जैसे आप कहोगे डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे दर्द हो रही है वो ठीक होनी चाहिए। आत्म रोग की किसको पड़ी है सुंदर साथ की, हम डॉक्टर से कभी नहीं पूछते भाई सुबह ये वाली गोली क्यों लूं और शाम को वही क्यों लूं जो आपने कहा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब जैसे आप कहोगे, इंजेक्शन लगवाना है हाँ जी दर्द होती है वो भी लगवाएंगे क्योंकि दर्द ठीक होना चाहिए, नो क्वेश्चंस एट ऑल। यहाँ सारे प्रश्न होते हैं आत्म, ये रोग तो मिलता ही बड़े खुश नसीब लोगों को है, बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिनको ये रोग मिल जाता है सुंदर सा जी। फिर प्रश्न क्यों है अभी भी हृदय में, ऐसे प्रश्न क्यों है कि ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों नहीं करना, ये ऐसे क्यों करना है, जो ब्रह्मवाणी में बोल रहे हैं कहते हैं यदि तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया होगा तो प्रश्न नहीं पूछोगी, उसको करना शुरू कर दोगी जो जो मैंने इसमें कहा है। और यहाँ तो 100% पिया के मिलने का वो है, गारंटीड है सुंदर साहब जी, डॉक्टर के पास जाए गारंटीड नहीं होता, थोड़े दिन बाद फिर हो सकता है, यहाँ तो गारंटीड पिया मिलेंगे, ऐसा नहीं एक बार मिलके मैं दूर चला जाऊंगा। कहते हैं 100% एक झलक भी अपने हृदय में बसा लेना कोई नहीं छीन पाएगा, कोई भी मेरी वो झलक तुम्हारे हृदय से माया लाख जोर लगाए नहीं छीन पाएगी।
अब दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी। वाह राजी, ये शब्द देखे हैं सुंदर सा जी, कितने प्यारे शब्द हैं ये। अब दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, जितना भी देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। श्री कलश हिंदुस्तानी चौपाई प्रकरण 23 चौपाई 4। यदि किसी के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां फेंकने से उतना भी कष्ट होता है ना, तो मैं उतना भी कष्ट सुंदर साथ को होने नहीं दूंगी। मैं सर्वदा ही प्रेम की शीतल कर देने वाली दृष्टि से देखूंगी। ये प्रण दे रहे हैं हमें सुंदर साथ जी। जीव का छोड़ा ना, चाय छोड़ दी, प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, मिर्च मसाले कम कर दिए। शरीर का छोड़ा ना सुंदर साथ जी, जीव के छोड़े उसके बाद कम तो हुए ही हैं। क्रोध कम हुआ, मोह कम होता जा रहा है, लोभ कम होता जा रहा है। अब कहते हैं जरा और थोड़ा सा ऊपर उठो। अब ये प्रण लेना है सुंदर साथ जी। मैं सब सुंदर साथ अपने हृदय से बोलेंगे, मैं कोई भी कष्ट सुंदर साथ को नहीं होने दूंगी, होने दूंगा। मैं सर्वदा ही प्रेम की शीतल कर देने वाली दृष्टि से सुंदर साथ को देखूंगी या देखूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आप सब से बहुत ही मधुर शब्दों में बोलूंगी, बोलूंगा, और आपके हृदय में परम धाम के, ये तो महामती जी बोल सकते हैं, ये प्रण तो महामती जी ही ले सकते हैं, आपके हृदय में परम धाम के अखंड सुख का अनुभव कराऊंगी। पर ये सारे प्रण हमें लेने हैं सुंदर साथ जी। आज के बाद कभी मेरी वजह से सुंदर साथ को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा प्रेम की दृष्टि से उनको देखना है। सारे कार्य, कोई भी सेवा हमें मिली है या भविष्य में मिलेगी, हमेशा प्रेम से वो सेवा करनी है, और मधुर शब्दों से हमें सुंदर साथ से बोलना है। आज ये प्रण करना है। आज बहुत सुंदर दिन है सुंदर साथ जी। वस्तुतः सबको सत्य प्रिय और हितकारी बोलना चाहिए, इसमें ही सबका कल्याण निहित है। फेर के चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सोघात बतावे। कहते हैं फिर से श्री जी की, फेर के चर्चा भई, फिर खंडनी के वचनों से सबको जागृत कर रहे हैं। हम कर सकते हैं खंडनी यदि कारागार में जाकर आए हैं तो? यदि इतनी कसनियां हमने की हैं तो कर सकते हैं खंडनी, क्यों नहीं कर सकते? अगर उनके कदमों पे कदम धर के चले हैं, पत्नी छोड़ी है, पति छोड़ा है, धर्म के लिए छोड़ा है, तो कर सकते हैं खंडनी सुंदर साह जी। दो दो बार कारागार में जाके आए हैं, कितनी बार पैदल चलेंगे, नंगे पांव चलेंगे, कितनी बार भूखे रहेंगे? यदि हमने किया है तो कर सकते हैं। उनकी रहनी पे कोई चल के तो दिखाए सुंदर साह जी। तो केवल और केवल श्री जी कर सकते हैं। श्री जी की चर्चा फिर शुरू हुई, खंडनी के वचनों से सबको जागृत किया, जो जो सो गई हैं। सुंदर साह जी हमारी तो हो खंडनी, हम हैं लास्ट बैच, नहीं तो फिर यहीं के यहीं बैठे फिर मानव तन कोई और लेके घूम रहे होंगे। हमारी तो हो पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं है। वैराग पूरा राज को, ये देखा आपने कितना सुंदर, मुझे नहीं पता था सुंदर साह जी, श्री बीतक साहब में इतनी सुंदर बातें लिखी हुई हैं। आई नेवर इमेजिन, मैंने सुनी है, मैंने शादी से पहले मैंने शायद 20 बार तो श्री बीतक साहब, जरूर छोटी सी थी 3 4 साल की, तब से श्री बीतक साहब एवरी एवरी ईयर पूरे पूरे दिन नियम से सुना करती थी। चाहे तूफान आ जाए पर बीतक साहब सुनने मंदिर जाना ही होता था। प्रेम आंटी करते थे हमारे यहाँ, सरकार श्री के मुखारबिंद से भी सुनी है, एक या दो बार पूरी की पूरी सुनी है उनसे भी। वैराग मुझे कभी ये नहीं पता था कि इतनी सुंदर, क्योंकि तब छोटी थी, ध्यान नहीं दिया शायद, पर ये इतनी प्यारी, इतनी गूढ़, इतनी गहरी चौपाइयां श्री बीतक साहब में लिखी हुई हैं। ये इंद्रावती जी की स्थिति लिख दी है सुंदर साह जी यहाँ पे।
वैराग पूरा राज को कहते हैं। इस समय श्री इंद्रावती जी का हृदय संसार से पूर्णतया अलग था। पूर्णतया अलग होता नहीं है सुंदर साहब जी, श्री मुखवाणी में बार बार लिखा हुआ है कि इंद्रावती जी वहां घूमती हैं, परम धाम में घूमती हैं, फिर राजिया, क्योंकि श्री मुखवाणी उतरनी है उनके मुखारविंद से। पूरा परम धाम घुमाते हैं राजी उनको, पूरी डुबकियां लगाते हैं, किनारे पे भी बिठाते हैं, सारे सागरों को माप कर, पूरा नहीं मापा जा सकता, जितना संभव हो सारा लिखना है यहाँ पर। जीव का दिल भी तो वैसा बनाना पड़ेगा ना, जो समा पाए जब उतर रही हो वाणी। तो कहते हैं उधर भी रहती है और उनकी नजर उधर रहती है, पर काम इधर भी जागनी का करना है। इंद्रावती जी कहती हैं ये सबकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर दे दी है, इधर का जागनी कार्य, मैं उधर से निकलूं कैसे राजी, मैं कैसे उस अखंड आनंद में से निकलूं, और इधर जागनी कार्य भी करना है। कैसी विलक्षण, कितनी प्यारी ये स्थिति है। और इस समय कहते ये बड़ा प्यारा समय है, इंद्रावती जी का हृदय संसार में बिल्कुल भी नहीं है, पूरा छोड़ आए हैं राजकाज एवरीथिंग, अब प्रण कर आए हैं कि अब वापस नहीं जाना मुझे, अब कुछ भी हो जाए कर चुकाना हो, जो मर्जी करना हो, मैंने वापस नहीं जाना। धाम धनी की प्रेरणा है अंदर कि अब तुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा, संसार से पूर्णतया वैराग हो चुका है उनको, अलग हो चुका है इस टाइम। सो घात बतावे ए, जब स्थिति ये चल रही है ना उस समय, सुंदर साथ जी उन्होंने सुंदर साथ को भी चर्चा के द्वारा क्या बताते हैं, माया को छोड़ने के तरीके बताते हैं कि माया में रहते रहते तुम कैसे वैरागी हो सकते हो। जो वैराग्य ले चुके हैं पर मन घर संसार में लगा हुआ है तो वो वैरागी नहीं कहलाते सुंदर साथ जी, पर घर संसार में रहते हुए घर संसार का काम करते हुए भी वैरागी हुआ जा सकता है। ये ब्रह्मवाणी ये महामती जी हमें सिखाते हैं। सारे कार्य यंत्रवत तरीके से करते हुए गोपियों को वैराग्य नहीं लेना पड़ा, वो घर में वैरागिनी थी सुंदर सा जी, वैसी गोपियां हमें बन के दिखाना है। श्रीमद् भागवत में गोपियों के नाम भी नहीं आते सुंदर सा जी, अपना नाम भी आगे लाना उन्होंने शोभा लेना ठीक नहीं समझा, गोप ही रह गई वो गोपियां, कृष्ण तेरा ही नाम आगे आए बस, तू ही हमारा सब कुछ है। और वैराग्य ऐसा, सारे घर का गाय भी होती थी, कोई मशीन भी नहीं होती थी, 50 50 जने एक एक घर में रहते थे, कितनी तो कहते पूरी रात तो वो रोटियां बनाती थी, तब कहीं जाके रोटियां खत्म होती थी, कैसे कपड़े धुलते होंगे, कितना पानी जमुना जी से लाती होंगी, सोचिए कितने जनों का पानी भर के लाना है जमुना जी से, घर से कितनी स्त्रियां कितनी गोपियां एक एक घर से जाती होंगी, एक घर में एक गोपी नहीं होगी सुंदर सा जी, एक घर में ही कितनों ने प्राण छोड़े होंगे गोपियों ने, कितनों को कमरों में बंद किया होगा तन छोड़ने के समय पे। ऐसा वैराग्य जो गोपियों ने कभी कहा नहीं कि हम वैराग हैं, हमने वैराग लेना है या हम वैरागी हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने करके दिखाया। वो तो रहनी में गई सुंदर साहब जी, ना कथनी वाणी अभी नहीं आई है, कोई पहचान नहीं है, पूर्ण निद्रा, कोई पहचान नहीं है, ये धनी है कि घर है हमारा कहाँ है कुछ नहीं पता उनको, पर रहनी में बहुत सुंदर सुंदर साहब जी कहते हैं इस समय चर्चा के द्वारा माया छोड़ने के तरीके बता रहे हैं, रहना तो यही है पर इसको छोड़ना कैसे है। और क्या सबको मीठी लगी उनकी सारी बातें, क्यों मीठी लगती हैं, क्योंकि उनकी स्थिति वैसी है, एक ही बात को 10 जने कहें, आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा एक बार, एक ही बात को 10 जने कहें, एक बात ही रिपीट करें, एक की बात आपको लग जाएगी, ठीक
क्यों? क्योंकि वो इस स्थिति में रह रहा है। उसके हृदय से निकली हुई बात आपके हृदय को लग जाएगी, हालांकि 10 जने सेम थिंग रिपीट कर रहे होंगे। क्यों सबको मीठी लग रही है? क्योंकि इंद्रावती जी, इसीलिए बताया सुंदर सा जी उन्होंने, ये पूरी जुड़ी होती है चौपाइयां, कड़ी से कड़ी। ऐसे नहीं है कि कोई सिरा इधर कोई सिरा उधर, ना ना, पूरी कड़ियां जुड़ी होती। वैराग पूरा राज को, वाह राजी, इतने प्यारे मीठे वचन, बहुत सुंदर। सबको मीठी लगी, होए चर्चा जो हाल में। इस हाल में जो इंद्रावती इस समय है ना सुंदर साथ जी, श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा सबको मीठी लग रही है, क्योंकि वो उस हाल में उस समय रह रहे हैं। इंद्रावती जी की स्थिति वैसी है कि वो संसार में है नहीं, अब पूरे दर्शन हर समय उनको हृदय में हुआ करते हैं, तो उनके मुखारविंद से जो निकलेगा वो मीठा कैसे नहीं लगेगा? उनके मुखारविंद से, उनके हृदय से निकली हुई ये वाणी भी है सुंदर सा जी, ये कैसे मीठी नहीं लगती होगी? मैं अपनी बात बताऊं सुंदर सा जी, एक एहसान किया करती थी मैं राजी पे, 5 चौपाइयां पढ़ ली राजी, आज शुक्र है घर परिवार ठीक रहे, बस इसलिए पढ़ी है। कैसी धृष्टता की हुई है, बहुत शर्म आती है अपने इन कर्मों पे जो किए हैं। श्री जी के मुख से, उनके हृदय से निकली हुई ये वाणी, बंधन क्यों महसूस होती थी? इस प्रकार का बंधन, पिया के पाश का बंधन तो हो, पर ये बंधन नहीं कि हाँ करना है आज, किया नहीं, पता नहीं घर में कुछ हो ही ना जाए, आज राजी को माथा ही नहीं टेका। एक परंपरा नहीं निभानी है। मैंने जो गलतियां की हैं सुंदर साहब जी, कहते हैं सियाना वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि इतनी उम्र हमारे पास है नहीं कि हम खुद सारी गलतियां कर करके सीखें, दूसरों के अनुभवों से भी सीख लेना है। इसीलिए हम श्री बीतक साहब पढ़ते हैं, परमहंस महाराज जी की जीवनी पढ़ते हैं, सुनते हैं परमहंसों की जीवनी, कि कम से कम उनके जीवन से सारा कुछ ले ले और हम गलतियां ना करें जो करते आए हैं, हम आज तक वो ना करें। उन्होंने जो अनुभव परम धाम का लिया, हमें भी उसकी सुगंध मिल जाए, इसलिए उनके सानिध्य में उनकी जीवनी के थ्रू बैठ जाया करते हैं सुंदर साहब जी। उनकी छत्र छाया महसूस होती है उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो। ये श्री बीतक साहब आज भी बैठे हैं, श्री जी आज भी बैठे हैं, वही प्रेम भर के अपने हृदय में। पन्ना जी जाइए तो वो प्रेम का अंश जरूर लेकर आइएगा। केवल माथा टेक के, परिक्रमा करके या बाकी सब करके ना जाइएगा। घूमर जी में बैठ कर चितवन में उस प्रेम का अंश जरूर समेट कर लाइएगा, श्री जी जरूर देंगे। वो तो बैठे यही देने के लिए। सबको मीठी लगी, होए चर्चा जो हाल में, जिसके द्वारा भी हृदय को बात लग रही है ना, कोई भी सुंदर साथ हो, चाहे वो छोटे से बच्चे के तन में क्यों ना हो सुंदर साथ जी, एज पे ना जाइएगा। यदि हृदय में बात लग रही है किसी के द्वारा भी कही हुई, इसका अर्थ ये है कि वो जरूर उस हाल से गुजर रहा है, इसलिए हृदय से निकली बात दिल तक पहुंच रही है। मकसूद होवे 300, सब सक जावे सुन के। कहते हैं उनकी अलौकिक चर्चा को सुनकर सबके संशय मकसूद हो जाते थे, सारे निसंशय हो जाते थे, कोई संशय शक भान जाते थे, सब शक चले जाते थे सुन के। कहते हैं इतनी प्यारी लगती थी, वो खंडनी के शब्द भी कह रहे होते थे, लगता था फूल झड़ रहे हैं उनके मुख से, फूल और पाखुड़ियां मेरे हृदय तक पहुंच रही हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी चर्चा करते हुए वारी वारी वारी, उनके मुख से जिन सुंदर साथ ने खंडनी के भी शब्द सुने होंगे,
कोई भी प्यारे शब्द सुने होंगे, धन्य है वो सुंदर साथ जो दौड़ दौड़ कर कदमों लागे और ये शब्द उनके हृदय की झोली में आ आकर पड़े। और कहते हैं तुम भी निराश मत हो, लास्ट बैच वालों तुम भी निराश मत हो, ये सारे मैंने लिख लिख कर तुम्हारे लिए रख दिए। सुंदर साथ ने इतनी मेहनत कर दी लिख लिख के हमारे लिए रख दिए। ये ना सोचना कि तुम्हें नहीं मिलेगी ये वाणी, वाणी मिली है हमें ही, मिली है हमारे ही ताले में ने लिखी है। सुंदर साथ जी इस वांग्मय स्वरूप से प्रेम करेंगे ना तो देखना, देखिएगा मूल मिलावे वाला जो स्वरूप है ना वो रह ही नहीं पाएंगे, इसी में छुपे हुए मिल जाएंगे और सामने आ जाएंगे, प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे। बस एक चौपाई करेंगे सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। जो मलिनता मन की, आज बहुत सुंदर दिन है, आज मन में यदि कोई भी मलिनता हो किसी भी सुंदर साथ के प्रति, कुछ भी बड़ा से बड़ा हुआ हो सकता है कोर्ट केस ही हुआ हो, इससे बड़ा क्या होगा। श्री जी तो कारागार चले गए थे, बिहारी जी माध्यम बने, फिर भी बिहारी जी के पास माथा टेकने के लिए भेज रहे हैं अपने ही बड़े भाई को। अभी अभी आया था, हरिवंश ठाकुर जी को कहते हैं बिहारी जी को माथा टेक कर आइए, बिहारी जी के दीदार करके आइए। कारण तो वो बने थे ना सुंदर साथ जी प्रत्यक्ष, पर फिर भी उनके प्रति कोई मलिनता उनके हृदय में नहीं है, तभी तो वो श्री जी हैं। हमारे साथ भी सुंदर साथ के कोई भी कारण बनाओ, बड़ी से बड़ी बात भी हुई तो सुंदर साहब जी यहाँ पर अभिनय करने के लिए दिए गए हैं। एवरी वन इज डूइंग अकॉर्डिंग टू राजीज विश। हम एक एक बात उनके हृदय से निकल रही है तब कर रहे हैं। जो मलिनता मन की, श्री जी की चर्चा सुनकर सबके मन में, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी से दूर हो गए ना, 10 वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके हैं हम, 1712 1722 में तो दीप बंदर पहुंचे थे, 2 साल तो वहां रहे हैं, 1724 से भी ऊपर का समय हो चुका है, 12 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो दूर रहेंगे, सतगुरु से दूर रहेंगे, ब्रह्मवाणी से दूर रहेंगे, मन में मलिनता आएगी ही आएगी, क्योंकि माया बैठी तैयार। वो भी पिया अभिनय करा रहे हैं, माया से भी, माया से भी दुखी नहीं होना, माया से भी नाराज नहीं होना, हमें अब पता लग चुका है। ऐ माया जी आप हमारे निर्देशक, हमारे धनी हैं, उनके बिना मेरे जीवन में तुम भी एक घटना भी नहीं कर सकती। माया मेरे पिया ने आदेश दिया तुमको, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं, अब तो किसी के प्रति भी मलिनता नहीं लेकर आनी है। सबके मन में जो मलिनता आ गई थी, श्री जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा को सुनकर सो सब हुई दूर, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। ब्रह्मवाणी को पढ़ के, साक्षात वांग्मय स्वरूप उनका, उन्हीं के वचनों को पढ़ के हमारे मन की मलिनता भी दूर हो सकती है। बस दिल से निकालना है सुंदर सा जी, निकाल फेंकना है इन सबको। बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजकूर। कहते हैं सबने इस समय अपार सुख का अनुभव किया, कैसे धाम मजकूर जब हो जाता है, परम धाम की चर्चा हो, परम धाम को याद करें, धाम के नाते को याद करें, तो मलिनता रह कैसे सकती है। मलिनता होती ही तभी है, मैल होती ही तभी है जब हम यहाँ के शरीर से, यहाँ के जीव से इन नातों को देखते हैं। जब आत्मा आत्मा को देख लेती है, आत्मा के नाते की बात, निस्बत के संबंध, निस्बत को समझ लेती है, मेरा पिया के साथ क्या नाता है और उस नाते से सुंदर साथ के साथ क्या नाता है, तो मैल नहीं रह सकती सुंदर साथ। तो आज केवल और केवल धनी जी के, धनी श्री देवचंद्र जी के प्रगटन दिवस पर एक ही संदेश बीतक साहब ने आज हमें दिया कि किसी के प्रति हृदय में
कटु भाव आने से पहले ही उसको झटक दीजिए। नॉट अलाउड इन माई हार्ट बिकॉज राज्जी है वहां पे कुछ ऐसा अलाउड नहीं है, केवल प्रेम अलाउड है, केवल फूल पाखुड़ियां ही अलाउड है, कोमल भाव अलाउड है सुंदर साजी के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साजी, प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। साथ साथ भूल चूक की गठरी जो है ना बड़ी होती जा रही है, उसको साथ साथ हटाते जाइएगा, माफ करते जाइएगा, ताकि मेरी भी राह आसान रहे। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए अब बहुत सुंदर अर्जी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम बिन करो मेरा तलक तलक ही जाए जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं पिया, क्यों मीत दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सभी बतिया जी समरथ दिन रैन जाते रोए रोए जी। जन्मयान्दी जो मैं होती पिया, तो तुम्हें देखते कि जब तुम आप दी खाओगे पिया, देखूंगी नैन भराए जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम्हें जी न जी, छिन खबर दो लीजियो मैं अर्ज करूं अब दुल्ही नहीं। ऐतिया रज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतराए जी, सो आड़ी अंतरे ताल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो किया, कीजे हाँ से विलास जी, वारन जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी, प्रेम सो से वा करूं सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता दामिनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी, श्री ममति युगल स्वरूप परवारी अंगना बले बले जात जी। श्री ममति युगल स्वरूप परवारी अंगना बले बले जात जी। बोलियो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सुन सतगुरु महाराज की, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुनीता दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति मीठी रू, अति मीठी अर्जी,
या जल्दी स्वीकार करेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।